ते इत्थों बाहर निकल के दिखा दिओ। राजनीतिक पार्टियां नहीं बना रही, जेड़े संगठन बने, जेड़े नासूर बने अपने वास्ते, वो संगठन है, आरएसएस वर्गे संगठन है जो इंडिया की राजनीति विच धर्म की राजनीति घोल घोल के अपन वख कर रहे हैं। हनुमानगढ़ नानकशाही धरती है, अज ताई इत्थे कदे जातिवाद जात भेद कुछ नहीं होया। और मैं आई अपील करना चाहना भी अज तो बाद कोई इत्थे जातिवाद ना होवे, ना किसी धर्म तो लड़े। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी नूं वोट पाओ या ना पाओ, इलेक्शन का टाइम है, पर हर बंदा सब तो पहला देखे सिख आप दे वाहिगुरू नूं देखे। तो मैं मेरी मुस्लिम कौम नूं अपील करना चाहना, जे तुसी नबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी उम्मत हो तो इन्हां गद्दारां नूं जवाब दिओ कि तुसी साडे उम्मत बारे बोल रहे हो। बस मैं थोड़ा वक्त ले रहा, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गो, नौजवान साथियों, 2 तारीख की जो तिजारा में घटना हुई है आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हो। 5 तारीख को टाउन में, एक मिनट आप चुप रहो, 5 तारीख को टाउन के गुरुद्वारा साहिब में बैठ करके ये तय हुआ था कि 8 तारीख को भगत सिंह चौक पर सबको बुला करके चक्का जाम करके अपना विरोध प्रकट करेंगे। और उससे एक और तय हुई थी, बैठे हैं साहब भी, कि ये जो घटना है ये सुनियोजित तरीके से है, कोई अचानक किसी के मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं है, ये एक साजिश के तहत है, जैसा कह के गए हैं आरएसएस की घटना है। और वो देश में वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं, और जब उनकी अगर सत्ता आ गई भारतीय जनता पार्टी की तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, चुनाव आयोग को तब खत्म कर रहे हैं, और वो जो है हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए उनकी जो साजिश है, अपनी एक मांग करनी चाहिए कि वहाँ उन्होंने गुरुद्वारा साहिब से माफी मांगी है, जब तक मुस्लिम समाज से माफी नहीं मांगते, और माफी भी संदीप दायमा नहीं, वहाँ थे योगी जो उनके कहने पे तालियां बजा रहे थे, और वहाँ पे तमाम मुस्लिम समाज से माफी मांगे, और उस दिन मैं एक प्रस्ताव पास किया था कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो उनकी जो पार्टी है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट किया जाए। ये उस दिन तय हुआ था कि हम बायकॉट करेंगे। निश्चित तौर से कुछ अभी भी कुछ लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, शाम को दूध पिलाओगे चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, आपको डसेगा। हमारे देश में देश की एकता बना के रखे, यही सबसे बड़ा काम है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान बाकी सारी दुनिया से अलग है, ये अलग तरह की तस्वीर है। हम ये चाहते हैं हर बगिया में तरह तरह के फूल खिले, और वो चाहते हैं सिर्फ एक कमल का फूल खिलना चाहिए। हम कतई ये नहीं होने देंगे, आपा नहीं उड़ते जी, सब तय होया जी। मैं अकबर भाई को 2 मिनट जी, बस कह रहा 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू, सत श्री अकाल, राम राम। मैं 36 कौम पधारे मेरे भाई, गांव गांव दाणी दाणी से पहुंचे, सभी का आदर सम्मान करता हूं। और जो 2 तारीख को तिजारा के अंदर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जो अपनी गंदी सोच के कारण हम सबके भाईचारे को तबाह करने का जो इन्होंने फैसला किया है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई इसी चीज का उनको ये दिखा देंगे कि हमारे खिलाफ हमारे देश को हमारे राज्य को तोड़ने का जो काम करेगा उसे नीत और जवाब दिया जाएगा। और सुदीप कौमा, मैं सभी को एक नारे के साथ, सुदीप कौमा मुजफ्फर, सुदीप कौमा मुजफ्फर, दर्शन सिंह मास्टर जी जी संघ रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सारे ही हनुमानगढ़ के जिले के विचों आए, संगरिया तहसील के एरिए आए सारे ही भाइयों का, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे का बड़े ही तह दिल नाल इस्तकबाल करना। मैं एक राहत इंदौरी के एक शेर नाल अपनी गल खत्म करांगा कि यकीन हो ना हो बात तो यकीन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किस
किसी कमीन की है, ये बांटने की सियासत किसी कमीन की है। और जो बार बार इको गलू दोहराना जायज नहीं भी वही दो तरीके वाली घटना दिखाई जाइए भी ये हुआ ये हुआ। मैं जी अगली गल कहना चाहना भी हुण कह रहे ने कि उन्हें माफी मांग ली, माफी गलती नहीं मनी जाती है, गुनाह की सजा होती है, उन्हें गुनाह किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सूर सजा नहीं मिलेगी, उसकी पार्टी ने एक वखावा किया सजा का, हालांकि कोई किसी तो अलग नहीं क्योंकि उन्होंने रणनीति है और रणनीति के तहत काम कर रहे ने। सारे का ही मैं बहुत इस्तकबाल करता हाँ। अस्सलाम वालेकुम। भगत सिंह चौक से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और तियारा के अंदर जो अभद्र टिप्पणी की गई उसको लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन और जाम की स्थिति हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर भगत सिंह चौक पर ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं। ये साडिया कौमां नूं क्यों निशाना बनाया जाता है, कदे मुसलमान नूं बना लिया कदे सिख नूं बना लिया। हुण अज आ गल चली जांदी है कि उन्हें माफी तो मंग ली, सिखां तो मंग ली, मुसलमानां तो नहीं मंगी। सारे नूं अपील है, सारे दो मिनट बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, बैठन दी कृपा करो भाई जी। सारे नीचे बैठ जाए प्लीज, सभी नीचे बैठ जाए, सभी वक्ताओं को टाइम दिया जाएगा दो दो मिनट बोलने का। दर्शन सिंह जी, मास्टर जी सीविया, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच के नजदीक आ जाए। आज मास्टर जी झंडा वाली झंड वाले सिखाने तो आ जाओ तुम। हाँ जी, सारे गल चल रही थी माफी की, भाई जी अवतार से एक मिनट, माफी की गल चल रही थी सिखा ने माफी मांग ली, सिखा ने कोई उन्होंने माफ नहीं कर, अकाल तख्त साहब तो माफी मिलूगी तो उन्होंने माफ हो जूगा, माफ तो सरसे वाला भी नहीं हुआ इस हिसाब न। कोई राजपूत गल कर रहा है, उनको पत्रकार पूछ रहा है दीपक चरसिया, वो कह लगा भी सिखो से माफी मांग ली, आपसे क्यों नहीं मांगी। और मैं रब तो डर के कहना भी सिख बोले सुनने बोलन लगे दो मिनट ही लाउंदे है, ज्यादा समा नहीं लाउंदा, पर तुसी आपदे नबी पाक नूं उस अल्लाह नूं तुसी जान के सच जान के उहदे ते विश्वास रख के आखो भी असी भी बिस्मिल्ला उहदा पढ़ दिए जो साडे सामने आ जे। बेअबदी करी अमृतपाल अज मर गया, उन्हें एक गल आखी थी कानून उन्होंने सजा देगा तो ठीक है, तेने सिंह आपके रवायती हिसाब न सजा देने वढ़िया थी। असि यह गल आने भी यहो जे बंदे वढ़िया जाए तो बीजेपी का जो भी कोई कैंडीडेट आता पिंड के मुंह तोड़ जवाब दिता जाए, पुट्ठा भेजा जाए। अरदास करके वो हाथी नाल भी टक्कर ले लैंदा है, कहदे नाल लैंदा है, क्योंकि गुरु साहब का थापड़ा हो जाता उस अकाल पुरख का। सानू पता भी जिहड़ा असल मुसलमान है वो दूजे दे जाके मत्था नहीं टेकदा, दूजे धर्म नूं जाके सजदा नहीं करदा, यही काम असल सिख दा है। जिहड़ा असल सिख है वो दूजे थां ते जाके मत्था नहीं टेकूगा, नक्क नहीं रगड़ूगा। असी सारिआं नूं बेनती करदे हां, मुसलमान नूं आपदा धर्म मुबारक है, वो आपदे कल्ला मसीत ते कुरान शरीफ ते भरोसा होना चाहिए भी आपके बाल बच्चे परिवार हर एक चीज नाल ज्यादा भरोसा उन्होंने होना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ के बिल्कुल मिल है। जिहड़ा सिख है सिख नूं गुरु ग्रंथ साहिब तो परे आजाद है, जो भी फैसला गुरु ग्रंथ साहिब तो आउंदा असीं हुक्मनामा लैंदे आ, अरदास बेनती करदे आ, वो हुक्मनामे ते आपदा दिन ढालण की कोशिश करदे आ। असीं इह सारिआं नूं अपील करदे आ भी जिहड़ा भी बंदा कोई ऐ बोलण की सोच करदा, असीं सिख नूं इह गल करदे आ
कि ओदा सोला बढ़ाया जाए कीर्तन सोला बढ़ाया जाए छेती जेड़ा बंदा कोई धर्म के खिलाफ बोलता है मुसलमान मानो असी ये गल कहने हैं कि ओदा बिस्मिल्ला पढ़ाया जाए ओदा अंत समा आ जाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। बहुत मेहरबानी अच्छा जी एक रिक्वेस्ट है मेरी बस सैयद साहब को बुलाना है आज ही नूर नबी साहब के रिक्वेस्ट है जी ठीक है साहब आज ही नूर नबी को दो मिनट बुला लें। अब सीआई साहब मुझे कह रहे हैं कि खान साहब अखबार सुने के मुझे ज्ञापन दे दो मैं एसपी साहब की तरफ से और नहीं देना मैं मना करता अभी मना करता भी नहीं देना जी और अजय से नहीं देना जी उसके अंदर इतना ईमानी जज्बा तो जरूर है कि जब उसको धर्म के नाम पर आवाज दी जाए तो वो अपना कीमती वक्त भी छोड़कर जो है अपने धर्म के लिए हाजिर होता है। बहरहाल आप एक आवाज पर यहाँ आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी गुफ्तगू का बस मुख्तसर से यहाँ से आगाज करना चाहता हूँ कि कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। हजरात ये जो है आज हम और आप जो इकट्ठा हुए ये आप सभी लोग जानते हैं सभी आने वाले ने उस बदबख्त का उस खबीस का नाम लिया
लेकिन मैं अपनी जुबान को उसका नाम लेकर नापाक भी नहीं करना चाहता। ऐसा हकीम शख्स है उसका नाम लेने से भी जो है जुबान जो है नापाक हो जाती है। बस इशारा अकलमंद रहा, इशारा काफी। बस मैं ये कहूंगा कि हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान हमेशा से गंगा जमुना तहजीब का जो है ये संगम रहा है, और ये चमन है, चमन ये चमन है, और चमन खूबसूरत इसलिए होता है कि उसमें हर तरह के फूल खिला करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में अगर जो खूबसूरती मुल्क हिंदुस्तान को हासिल है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो है ये सिर्फ एक फूल का नाम नहीं है बल्कि पूरे चमन का नाम है मुल्क हिंदुस्तान। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हमारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे नापाक और कभी शख्स की बात पर यकीनन ईमानी जज्बा जो है भड़कता है। अभी हमारे एक सिख भाई साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अब अगर तुम में दम है तो तुम यहाँ आकर के दिखाओ। और मैं मुसलमान भाइयों से भी ये अपील करता हूँ कि ये बहुत हो चुका, हम हमेशा से सुन करके खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। ये खामोशी अख्तियार करने का नतीजा है जो आज इस ये दिन हमें और आपको देखना पड़ रहा है। बल्कि इन्होंने साफ कहा कि अब दिन वो आ गया है कि बस आए और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर दो। हजरात, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ यह कह करके कि हजरात, ये हमारा मुल्क मुल्क हिंदुस्तान हमेशा से अमन और शांति का गहवारा रहा है। कुछ नहीं होता, इसलिए आप फिक्र ना करें, बल्कि अगर ऐसी आवाज उठे तो बस एक ही काम ये है कि हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि इनकी क्या राजनीति है। हम ऐसी राजनीति को इंशाअल्लाह अजीज न चलने दिया है न चलने देंगे। जब धर्म की बात आएगी तो हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके ये बता देंगे। इसे कहा जाता है नाम क्या दर्स देता है। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कदीर हम सबकी भाईचारगी को बनाए रखे, हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता करे। हमारे बीच में डीएसपी साहब पहुंच चुके हैं और उनको अपने संदीप टाइम जिसने ये बकवास की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए यहाँ का मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। यहीं पे अपने उनको देंगे सभी भाइयों के साथ। अब सरपंच मारथली लखवाली से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम का मतलब एक दुआ होती है।